नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विद्याविशिखा में। सरकार ने लॉकडाउन को भले ही औपचारिक रूप से घोषणा ना की हो, लेकिन अनौपचारिक रूप में लॉकडाउन प्रॉपर खत्म हो चुका है। सारे ऑफिस खुल गए हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ इन्होंने कही है कि आप मास्क और जो भी उसके मानक हैं वो फॉलो करते हुए सारी चीज़ें खोलेंगे। वो करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये महामारी है, ये भी पता नहीं कब तक बढ़ेगी घटेगी। तो आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इस बात पर है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया। लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से देश में कई हजार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। तो दोस्तों, जो लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, ऐसे लोग सोच रहे हैं कि उनका अब आगे कैसे सर्वाइव होगी लाइफ, क्योंकि दोस्तों अगले एक साल तक हर जगह पे मारामारी रहेगी जॉब्स को लेके। तो मेरा एक सजेशन है दोस्तों, ये समय सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जो कर सकते हैं वो उस पर ध्यान दें, अपनी अपने पूंजी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार नए स्टार्टअप पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगों को उभारने के लिए घोषणा किया है देने के लिए, उसमें से 6.5 लाख रुपए MSME को दिया है। MSME मतलब हो गया मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्री है उद्योग की, वहाँ पर जो लोग व्यापार करते हैं उनको बहुत कम सिक्योरिटी पर लोन मिलता है। लेकिन इस लोन को लेने के लिए सबसे पहला काम, अगर आप कोई भी स्टार्टअप बनाने की सोचें, तो जो सबसे ज़रूरी काम है वो है कि आप MSME में रजिस्टर्ड हों। तो उद्योग आधार इसको बोलते हैं, उद्योग आधार आप रजिस्ट्रेशन कराएं या MSME में रजिस्ट्रेशन कराएं, और जब ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे उस लोन को लेने के लिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप MSME में रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें कहीं आपको जाना नहीं, किसी को कोई एक रुपया नहीं खर्च करना है, आपको सिंपल घर पे कंप्यूटर पे सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से इसको अपना एक फॉर्म है वो भर दें। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही फॉर्म भरेगा तुरंत आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा, उसको लेकर आप लोन ले सकते हैं। आप उसको मतलब बेस बनाकर अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, तो काफ़ी कम सिक्योरिटी पर लोन मिल जाता है। MSME में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस मैं आज आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर जो लोग हमारे साथी चाहते हैं कि MSME में कुछ नया स्टार्टअप डालने का मूड बनाए, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखें कि कैसे हम MSME में रजिस्ट्रेशन घर बैठे करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये हम आपको बताएंगे कि घर बैठे कैसे आप ऑनलाइन MSME का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक साइट खोल रखी है, भारत सरकार की है ये साइट, udyogaadhaar.gov.in। MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको ये साइट खोलनी है। आपको इस साइट का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है और आप सीधे इस साइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप सीधे जाकर टाइप भी कर सकते हैं udyogaadhaar.gov.in। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपसे यहाँ पर आधार संख्या मांगी जाएगी। मैं एक आधार नंबर डालता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी होता है। जैसे ही आप आधार संख्या डालेंगे, फिर यहाँ पर उस आधार पर जो नाम लिखा है वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे, सेम नाम रखिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एक OTP जनरेट होगा जो आपके सीधे मोबाइल पर जाएगा। आपको ये OTP यहाँ पर डालना होगा। बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, कोई भी घर बैठकर MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ये OTP आ जाए तो मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। OTP आपके उसी मोबाइल पर आएगा जो आपने आधार बनवाते समय वहाँ पर लिखवाया होगा, वही OTP वही मोबाइल उसी मोबाइल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे मोबाइल पर दोस्तों OTP आ गया, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है,
ये ओटीपी पड़ गया, अब इसको यहाँ पर वैलिड पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास एक नया फॉर्म खुलकर आ रहा है, अब इस फॉर्म को आपको भरना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सोशल कैटेगरी, जो भी आपकी हो, जनरल है, एससी है, एसटी, जो भी हो उस पर टिक कर दीजिए। फिर जेंडर पूछा गया है तो जेंडर पर टिक करिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यस या नो जो हो उसमें करिए। फिर उद्यम का नाम डालना है, यहाँ पे कुछ उद्यम का नाम डाल देते हैं। उद्यम का प्रकार यहाँ डालना होता है कि किस तरह का प्रकार, एकल स्वामित्व है कि जिस तरह का हो वहां पे लगा दें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पैन नंबर देना होता है, अपना पैन नंबर दे दें। और यहाँ पर जहां पर आपने लोकेशन प्लांट का लगा रखा है उसका पता देना होता है, आप बिजनेस कहाँ से कर रहे हैं वो एड्रेस। और इसके बाद अगर आपका प्लांट और भी कहीं जगह लगा उसका भी एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आधिकारिक पता की बात करते हैं, यहाँ पर आपको आधिकारिक पता देना है तो आधिकारिक पता देना है। बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, आपको घर बैठे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इधर उधर भटकते हैं, पैसा खर्च करते हैं, किसी कोई जरूरत नहीं होती, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए इतनी फॉर्मेलिटी करने के बाद अब यहाँ पर आपको पिन देना है, पिन कोड जो भी आपका हो वो दे सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और अपना एक ईमेल लिखिए जो आप चलाते हैं ज़्यादा हो, जहाँ पर आप जानकारी चाहते हैं जो आपको वहाँ से पत्राचार हो वो आपको ईमेल लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये जब आप दे देंगे तो यहाँ पर जन्मतिथि मांगी गई है, ये आपको करनी है। पहले ईयर में जाएंगे, यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए जो जिस ईयर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, इसको बहुत सिंपल तरीका है। आप यहाँ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी। इसके बाद पूछा है प्रीवियस ईएमआई रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर कोई है तो आप यहाँ पे लगाइए। अगर आपने इससे पहले इस तरह कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो यहाँ पर एक दो तीन जितने रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर टिक करना है। मेरा इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, मैंने इसलिए नॉट फॉर अप्रूवल पर लगाया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बैंक का विवरण देना है, इसमें आपको आईएफएससी कोड देना है। तो आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल दे दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई का प्रमुख गतिविधि मतलब क्या रहेगा, आप किस सेक्टर पर काम करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में करोगे कि सर्विस पे। मैं सर्विस पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे सर्विस पर टिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ भरना है सर्च एनआईसी कोड, जिस तरह का आपका बिजनेस हो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी सिलेक्ट किया, आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भर देंगे। फिर इसके बाद इसमें उसी से संबंधित आएगा ऑप्शन, उसमें से एक चूज कर लीजिए किस कैटेगरी में आपका बिजनेस जा रहा है, वो यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करना है, इस तरह से आप ये ऐड एक्टिविटी। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आपको पर्सन एम्प्लॉयड कितने व्यक्ति इसमें काम करते हैं, एक दो तीन चार कितने, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल है। ठीक है, उसके बाद निवेश कितना किया आपने, ये मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये यहाँ पे लाखों में है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे ठीक है ले लीजिए आप 2,00,000। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका ये सब हो जाता है, फिर कंप्लीट आपको सबमिट का बटन दबा देना है। आपने वहाँ सबमिट बटन दबाया तो ये विंडो खुल गई। अब इसमें एक ओटीपी और जाएगा आपके दोस्तों मोबाइल पर, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अभी ओटीपी आया नहीं, जैसे ही आता मैं इसको डालता हूँ। तो दोस्तों ये ओटीपी यहाँ पर भरना है, मैं इसमें ओटीपी भर देता हूँ। ओटीपी आ गया है 2,6,8,5,6,9। इसके बाद ये सत्यापन कोड एक मांग रहा है, इसको भी हमें भरना है, कैपिटल डी है।
कैपिटल डबल एक्स है, 7, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इसको भरने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे, फिर यहाँ पे ओके का बटन आएगा, ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, इसको ओके कर दीजिए। अब आपको एमएसएमई के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक बार उन्होंने क्लियर किया है कि आपका जो यूएन नंबर है वो ये आ गया है, इसको आप चाहो तो कॉपी कर लो, रख लो संभाल के और यहाँ ओके कर दो। तब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ चुका है एक सर्टिफिकेट जो मैंने बनाया है अभी। इस तरह से इसको प्रिंट करा सकते हैं और इसको रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्रिंट भी निकाल दें। धन्यवाद।